हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम तस्कीर है और इस वीडियो के अंदर मैं रिएक्ट करने वाला हूँ। एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, शेख रशीद ठग लाइफ कंपाइलेशन देखेंगे इसके अंदर। शेख रशीद की ठग लाइफ देखने में मज़ा आने वाला है क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों की देख रखी है। तो शेख रशीद काइंड ऑफ थोड़े से फनी भी बातें करते हैं, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि खिंचाई करते हैं, तो वो एक ह्यूमरस टाइप का उनके अंदर से कुछ निकलता है, वैसा कुछ मुझे लगता है। देखते हैं इसके अंदर किस टाइप की वीडियोज़ हैं। स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये राणा सनाउल्ला की शक्ल देखी है, चमगादड़ का फ्रंट पोज होता जाता है, चमगादड़ का फ्रंट पोज होता जाता। बॉर्न फ्री लिव फ्री एंड आई विल डाई फ्री। जो पहला लास्ट माई सेंटेंस मेरी जिंदगी पे हमला हुआ वो सरदार हकीम और गुलाम रसूल का इलेक्शन था, है जी, जिसमें मुझ पे गोली चली और जिस का मुझे कहते हैं पिस्तौल निकाला, अगर मैंने ना निकालता पिस्तौल तो शायद नहीं, मैं भागने वाला तो नहीं हूँ, मिन्नत करता हूँ पहले कि यार ना मारो। जब आदमी मारने भी उतरा है तो फिर कुछ सोचता हूँ। पहले मैं मिन्नत करता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज में भी गुलबादशाह ने एक दफ़ा मुझ पर, जब मैं जीत गया परवेज रशीद से इलेक्शन मीर साहब, तो गुलबादशाह ने पिस्तौल निकाला, कहता भाग। मैंने कहा भाई तेरी मिन्नत करता हूँ, गोली ना मार। उसने कहा भाग। मैंने कहा मैं भागता नहीं, जरा तेज चल के चला जाता हूँ। उसने कहा अच्छा तेज चल के जा। सो जान बचानी भी कुछ शेखों से सीखे ना। सुपर बढ़िया था। आज रात के 12 बजे हमारी टर्म खत्म हो जाएगी, तो कल शहबाज वर्सेस अगर लोड शेडिंग होती तो मुझे आप जिम्मेदार ही ठहराएंगे रशीद। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मियां नवाज शरीफ को या बादशाह साहब को जिम्मेदार ही ठहराएंगे। पहले कल मैं जा रहा हूँ, फिर ना मैंने कहना बिजली नहीं आई, तेरे बाप की बिजली है। तेरा बाप वहाँ जनरेटर था, बहुत बड़ा एटॉमिक जनरेटर आपने लगाए थे वहाँ पे, वो चश्मा बराज में तुम्हारे बुजुर्गों के जनरेटर थे। मफलर शफलर आपने भी पहना, सभी ऐसे ही है, दो कंपनी की मशहूरी के। कंपनी की मशहूरी। मैं आपके लिए आऊंगा आपके कॉलेज में, मैं वादा करता हूं, मैं धरना दूंगा। रक्षा ड्राइवरों मैं तुम्हारे लिए भी धरना दूंगा। इस एसपी की ऐसी की तैसी, एक तो कैमरे इतने हो गए हैं तकरीर ही नहीं करने देते। आप भी बैठ जा भैया, तू तो मेरी तरह देसी आदमी है यार। ये थोड़ा फनी अंदाज़, ये नौजवान स्मार्ट सा लड़का है, ह्यूमर अच्छा। इतनी बड़ी दाढ़ी रखने वाला अब्दुल करीम, इसकी जाली डिग्रियों पे ऐसे वजीर पे 101 करोड़ बार मैं लानत भेजता हूँ। एक करोड़। नवाज शरीफ डटेगा, कलेजा फटेगा, न्याज बटेगी, गोली अंदर होगी और ये जेल के अंदर होगी। दो हलकों से कंटेस्ट कर रहे हैं, दो हलकों में कैंपेन करना एट द सेम टाइम कितना मुश्किल है, कैसे मैनेज कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं दोनों हलकों में इंसाफ कर पा रहे हैं? मेरा ख्याल है मेरी स्ट्रेटजी ठीक कामयाब रही है, इधर वाला उधर लड़ रहा है, उधर वाला इधर लड़ रहा है। सो जो मैंने सोचा था बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से उसी पैटर्न पर बेवकूफों ने सियासत की है। और हालांकि ये इधर उधर अपने अपने हलकों में से भी लड़ सकते थे ना। अब मेरा पिंडी का आदमी यहाँ आएगा जी इनके पास तस्दीक कराने के लिए, और हम तो इंशाल्लाह इस दफ़ा इख्तियारात ही बांट देंगे पिंडी शहर में। लंबे ठप्पे लगाओ, दस्तखत करो, मोरें करो। वैसे उनके आपस में इतफाक हो गया, वो जो लड़ाई थी उसका आपको फायदा हो सकता था, आप समझते हैं कि कोई नुकसान भी हो सकता है? उसका क्रेडिट मुझे दे ना। लड़ाई का के इतफाक का जी, वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। सो मफाद इनका सबसे बड़ा रिश्ता है, मफाद को खौफ पैदा हुआ ना कब्जा ग्रुपों को और मंशियात फरोशों को, ये इकट्ठे हो गए, सत्यानाश कर देंगे। 10 नंबर का लितर लेके जा रहा हूँ असम्बली में, लंबा डाल के मारना है इनको। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच सर। सत्यानाश कर देंगे, 10 नंबर का लितर लेके जा रहा हूँ असम्बली में, लंबा डाल के मारना है इनको चोरों और डाकुओं। सुपर यार, बढ़िया, तगड़े जवाब होते हैं यार। 200 रुपए लेके गया हूँ आज, ये 250 लगा रहा है, बच्चा अपना सपोर्टर है तो अब इसको ना तो नहीं हो सकती ना। 200 लेके गया हूँ यार, 250 लगा ले। अब ये लाजमी कह रहा है पपीता भी एक ले लो, मोटा आदमी हो तो इस कह रहा है कि स्मार्ट हो। हाँ तो ये कहता है कि हमारा नुमाइंदा स्मार्ट होना चाहिए। दोनों चूहे जलंधर हो,
जब ये पैदा होने वाला था ताहिर अल कादरी साहब, डॉक्टर साहब, जब नवाज शरीफ पैदा हो रहा था, इसके बाप ने नजूमी को हाथ दिखाया। नजूमी को? नजूमी ने हाथ देखा, उसने कहा तेरे घर बेटा होगा जबरदस्त चलाक पैदागीर परले दर्जे का झूठा मक्कार रियाकार, तीन दफा वजीर आजम बनेगा यार, ये कॉमेडी है। सच बोलेगा उसकी जिंदगी का आखिरी साल हो। एक चौई साहब मेरे डीएसपी थे, वो ताबेदार वैसे तो पुलिस वाले नहीं होते, उसने मुझे कहा शेख साहब फंस गया। मैं क्या क्या होया? उसके मोइन कुरैशी ने अपने प्यो की कबर से जाना है, उसकी कबर नहीं मिल रही मियानी साहब। सो मैं क्या ये कौन सा बड़ा मसला है, किसी कबर को रात बनाओ काली। उसने मैं क्या खुर्शीद कसूरी को डेट ऑफ डेथ पता होएगी उसको? उसने कहा जी डेट ने मैं पता कर ली। मैं क्या किसी कबर पर ला दे? उसने किसी कबर पर कुतबा शुतबा लगा के सारे आप टी वी वालों ने दिखा दिया अपने वालद मरहूम की कबर पर वो दुआ। सो पाकिस्तान की क्या बात करते हैं, ये शौकत अजीज टाइप की सियासत है। हम सारे इख्तदार के भूखे लोग हैं, आज इस मुल्क में कोई चौधरी जोगलाई नहीं। क्या बातें करते हैं आप सारे लोग, हमारे पीछे मनवर बॉर्ड ला था, हमारे पीछे एजाज बटालवी था, जेल जाते थे जमानत देने के लिए तैयार थे, अयूब खान की गोली किसी ने चलाई फाड़, बेचारा गरीब शेख रशीद फंस गया। वो कड़िया वाला केस में ठीक है कि मैंने पिस्तौल निकाला जरूर था जान बचाने के लिए हजूर, हाँ मरवाओ ना दोबारा और दहशत गर्दी दिया है जी। और दिलचस्प लतीफा ये है कि ये परवेज लाई बैठे हुए हैं, ये सारे वीआईपी थे, इन सब की जमानतें होंगी, मेरे खिलाफ शादी बयान हो गया, बयान निजा, वो मर गया बंदा बयान दे के इसी ने मारी जी गोली। अरे अब मैं चौधरी जोरलाई का इंतजार करूं, या अल्लाह कब चौधरी जोरलाई रहा होगा, कब चौधरी जोरलाई आएगा कि मेरी, ये सारे फर्स्ट क्लास अदालतों में पेश हुए, इनका प्रोटोकॉल था जबरदस्त, और शुक्र है खुदा का गुजरात से मेरी माँ से ज़्यादा बेगम बेचारी मुझे खाना भेजती रही। मैं अवाम अमदीपुर मदीनापुर शादीपाल कहाँ कहाँ धक्के खाता रहा, और जब मैं गुजरात जेल गया मैंने कहा मैं बेगुनाह हूँ, मैंने बंदा नहीं मारा। गुजराती ने मुझे कहा ये ना क्या करो बिस्ती होती है। खुदा कसम नाजी साहब के इन्ने गबरू सोने जवान हो तुसी गुजरात की धरती च, इन्हों को बंदा मारा कम मारिया, मार दिया तो मार दिया। जबरदस्ती बोल दो सुबह सुबह बाल्टी बोरक बना के नाश्ते में अंडे भेज दादा के कत्ल किया है जी। भाई कत्ल के ऊपर खातिर हो रही है। तकबीरें होंगी, एक होगी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, दूसरी होगी इमरान खान आगे। मैंने कहा था कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, कसाई भाग गया था। रीमा ने मुझे कई बार कॉल की कि उसे इंटरव्यू चाहिए, मैंने उसे रिफ्यूज किया। क्यों? अगर ये पुरानी बातों पे रेगमाल मरना शुरू हो गया तो मेरे तो ये जितने मौलवी मेरे साथ चल रहे हैं, जितने दीनदार लोग चल रहे हो, कह गए दफा करो बुला करो इसको। ये तो आपका कोई इनसे इश्क विश्क का इश्क नहीं, इश्क जो है वो बड़ी ही सच्चाई और हकीकत की चीज है, और दिल वालों में और दुकान वालों में बड़ा फर्क होता है। मैं दिल वाला था, दुकान वाला था। तो कितनों से दिल लगाया? ज़ाहिर है मैं जुमा बाजार तो नहीं था, अरे ग्राहक उधर से दिल लगा रहे हो। मैंने आपको इतनी बड़ी बात की कि दिल की बात दिल वाले से की जाती है, दुकान वाले से नहीं। अभी ये सारा इंटरव्यू पीछे चला जाएगा और ये सारी बातें आगे निकल जाएंगी। ये मुल्क भी तमाशबीनों का है ना, इस मुल्क में जिधर मैं जाता हूँ शादी शादी, जिन्होंने शादियाँ की हैं वो कितनी तलवारें चलाते हैं, कितने वो, जितना शादीशुदा बदमाश है उतना कोई और बदमाश नहीं है। उसके पास सर्टिफिकेट है, लोग समझते हैं ये बड़ा शरीफ आदमी है, शादीशुदा है, और जिसने शादी ना की हो लोग समझते हैं ये बड़ा बदमाश है, इसने शादी नहीं की। वो बाबा हर एक का अपना केस है, लोगों को बेहतर पता होता है कि जो खाड़े में होता है उसको पता होता है कि उसने कौन सा दाव लगाना है कौन सा नहीं लगाना। क्या मोहब्बत करना और शादी करना दो डिफरेंट जॉब है? ये आप लोगों ने मोहब्बत और शादी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो मोहब्बत करते हैं वो नहीं मिल सके, इसका मतलब ये है कि वो तालाब में छलांग लगा लें ना।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਾ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਨਸੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਨੱਚ ਦਿਲ ਖੱਬੇ ਧੜ ਸੱਜ ਮਰਕਸ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਸੁਣਵਤ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ ਫੇਰਾ ਸੰਗਤ ਦੀ बहुत ही ज़बरदस्त थी यार, कसम से मज़ा आ गया। मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ इनकी बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी, इमरान खान के जलसों में मैंने देख रखा है इनको, तो बड़े फनी से लगते हैं मुझे। इनका लहजा, इनका अंदाज़, जो अंदाज़ बयां होता है थोड़ा सा फ़नी टाइप का होता है, वो मुझे महसूस हुआ। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था वीडियो देखने से पहले कि ये थोड़ा लगते हैं जोक वोक टाइप मारने वाले, और वाकई में एक स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह स्पीचेस देते हैं यार ये खड़े होकर। कह रहे थे सुनो ऐसा ये लतीफ़ा, सुनो वो लतीफ़ा, से लास्ट में जो इन्होंने बयान दिया है ना मोहब्बत और इश्क के ऊपर, क्या कमाल दिया है, दिल छू लिया भाई बंदे ने। और सच में सच बोला इसने बंदे ने यार, क्या हर कोई छलांग लगा लेगा जिसको इश्क नहीं मिला, शादी तो करेगा भाई, शादी कर लेते हैं लोग, हर किसी को इश्क तो नहीं मिल जाता। सो वो कमाल था लास्ट का, ऐसा लग रहा था दिल की गलियों से कहीं गहराई में डूब कर बाहर निकले हैं जनाब। और कमाल की ठग लाइफ थी इनकी, बाकी वीडियोज़ भी बहुत ही ज़बरदस्त थी, इन्जॉय किया मैंने। और जो जवाब दिया था शहबाज शरीफ को बहुत ज़बरदस्त जवाब दिए इन्होंने, अपने ऊपर भी जोक मारे इन्होंने जब ये कुछ इनका सीन हो गया था कि वो बंदा मर गया और गवाही देकर के इसने मारा है, बंदूक निकाली थी लेकिन मारा नहीं था। एंड एक फ़नी और बात लगी मुझे कि लोग जो थे वहाँ गुजरात की बात बता रहे थे, शायद ये जब इनका कुछ केस वेस हुआ होगा तो ये शायद गुजरात गए होंगे, इनकी पेशी वेशी होगी, तो वहाँ के लोग कह रहे थे मना ना करो, किया है तो किया है, मतलब बोल दो, बेइज्जती वाली बात होती है अगर तुम मना करो कि मैंने कत्ल नहीं किया है तो बेइज्जती वाली बात होगी, इसलिए ऐसे ही रौला बनाने के लिए सबके बीच में कह दो कि हाँ मैंने गोली चलाई थी मतलब बंदा अगला फंस जाए लेकिन कह दो। ये कंपाइलेशन बहुत ही ज़बरदस्त था, मज़ा आया इसको देखकर, आई होप कि आपने भी इन्जॉय किया होगा। कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा वाला आपको इसमें फेवरेट लगा, कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और किसका किसी और का ठग लाइफ देखना चाहते हो आप, वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।